आपको स्वागत है। और आप इस स्टार प्लस की जो सीरियल है उसकी शूटिंग के लिए आपने राजस्थान को चुना, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आपने इस सीरियल के लिए राजस्थान को चुना? कॉन्सेप्ट लेवल पे ये कहानी थी राजस्थान की, अजमेर की, फिर एक जर्नी थी उनकी जो पुष्कर जाती है, तो हमने पुष्कर में किया। हमने और चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो हम सांभर चले गए, क्योंकि मुझे लगा कि वो थोड़ा ज़्यादा शूटिंग फ्रेंडली होगा। उसके बाद हम जयपुर आए हैं, बेसिकली दो खास मकसद थे। एक तो एक वाटर बॉडी मुझे बड़ी पसंद आई थी जो हम आमेर विलेज में करेंगे, और वैसी वाटर बॉडी हमें अजमेर में अना सागर लेक था, लेकिन वहाँ शूटिंग फ्रेंडली उतना नहीं था क्योंकि वो बहुत ही वास्ट जगह है। हमें ऐसी जगह चाहिए थी जो बहुत कंट्रोल्ड हो, तो वो हमने चुना। और हम आए थे, दरगाह देखी थी, हमें बड़ा अच्छा लगा था, हमने सोचा हम यहाँ भी शूट करें। मेन तो लड़का लड़की है और उनका परिवार है, तो लड़की की फैमिली में कुछ 6 लोग हैं और लड़के की फैमिली में कुछ 2 लोग और उसकी माँ। कहानी क्या है? कहानी मैं नहीं बता सकता, कहानी अभी नहीं, अभी तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। जयपुर में आप? जयपुर में मैंने 2 साल पहले भी शूट किया था, कुछ 20 दिन शूट किया था। एक और स्टार प्लस का शो था निशा और उसके कजिन्स, तो मैंने यही किया था, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी हमने नाहरगढ़ फोर्ट में भी शूट किया था, मार्केट में शूट किया था, मेन रोड पे शूट किया था, ऐसे बहुत अलग अलग लोकेशन। आज दरगाह में जो शूट करें उस सीन में क्या है, क्या दिखाया? सीन में दिखाने लगे ऐसे ये था कि कुछ खो जाता है तो वो आते हैं दरगाह में अंदर मानते हैं, और एक हीरो हीरोइन का इंटरव्यू। राजस्थान में अभी आज शूटिंग के लिए आए हो, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? मैं बस यही सुझाव देना चाहूँगा कि 1 विंडो परमिशन होनी चाहिए। जैसे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वैसे मीडिया टूरिज्म भी होना चाहिए हर स्टेट में, नॉट ओनली राजस्थान। अगर आपने राजस्थान से रिलेटेड सवाल पूछा है तो मैं यही कहूँगा, 2 साल पहले भी मैं आया था, कुछ दिक्कतें आती हैं, जो कि अगर 1 विंडो हो जाए तो बहुत ही स्मूथ होगा। बॉलीवुड टूरिज्म कह लीजिए या मीडिया टूरिज्म कह लीजिए, वो भी बढ़ेगा। यहाँ के लोगों को भी ऑब्वियसली एक नया एवेन्यू होता है, वो भी लगातार बिजी रहते रहेंगे, साल में कम से कम 8 महीने तो करते ही रहेंगे। यदि इस शेड्यूल के लेके अपन बात करें तो आपको क्या प्रॉब्लम आई जिससे कि अपन इस तरह का? अब ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारे पास परमिशन थी फिर भी हमें नहीं दिया गया, कहीं कुछ घंटे शूट रुका, वो घंटे जब शूट रुकता है तो बहुत पैसे टाइम का भी नुकसान होता है, क्योंकि हमने एक बहुत ही टाइट बजट में और शेड्यूल बना किया। फिर जो भी बचता है फिर हमें ये लगता है कि अब ये बचा है ये हमें बॉम्बे में कहीं भी चीट करना, तो वो ना हो, क्योंकि आप आए एक नई लोकेशन दिखाने और अगर उस लोकेशन पे दिक्कत आती है, जैसे पुलिस प्रोटेक्शन मुझे लगता है एक मैंडेटरी परमिशन के साथ होना चाहिए, एक एक यूनिट का पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो शायद हो जाएगा लेकिन आई एम होपिंग दैट हो जाएगा। सेटिंग सामने से हट जाइए आप मैडम। वाइट शॉट दिखवाना, आगे मूव करो। अभी
बांध लेना मुझे। जैसे जैसे बताया ना मालूम मोबाइल बंद रखो, मत करो भाई, मत कर बेटा। कैरेक्टर कर रहे हैं आप, क्या करने जा रहे हैं? इसमें एक दरगाह के पीर का रोल है, तो पीर जो है वो आशीर्वाद देता रहता है सबको, तो यहाँ पर वो हीरोइन आती है, उसकी बच्ची पायल वायल खो जाती है, अब वो सोचती उसको गलत समझ ये रहती है कि मेरी गलती से ही पायल खो गई और ये हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तब वो उससे कहता हूँ बेटा गलती जो है वो ऐसी कोई भी भूल नहीं है जिसे सुधारा नहीं जाता, सोचो तुमने कहाँ गलती की है, कहाँ गलती की है, ऐसी कोई भूल नहीं है जिसका सुधार नहीं हो सकता। ये कैरेक्टर आपका पीर का कैरेक्टर आप इसमें कर रहे हैं और सबको आशीर्वाद देने का, कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है, ठीक है। जिंदगी में क्या है कि इस तरह के काम में माहौल में मेरा मन लग जाता है, सुबह 6 बजे से आया हूँ, शाम को भी शॉर्ट होता है तो हम बैठे रहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की रविश में शामिल है, मेरा शौक है, फिल्में, टेलीविजन, रेडियो, स्टेज, ये सब मेरा काम रहा है, इसलिए क्या है कि मेरे को कोई बुरियत नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है। अपना जी जयपुर आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका जो क्या कहना चाहेंगे इस सीरियल में आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं, क्या है इस कैरेक्टर का नाम थोड़ा सा? ये कैरेक्टर कुमार है, कुमार एक ऐसी औरत या एक ऐसी महिला हिंदुस्तानी औरत की छवि है जिसका चेहरा है, क्योंकि जो कि एक अच्छी सी माँ है और पत्नी है, एक आइडियल एक औरत है जो कि हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में जैसे एक आइडियोलॉजी की तरह से देखा जाता है, जिसकी अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स जो आते हुए स्टोरीज के साथ आपको पता चलेगा। अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? मैं बेसिकली मेरी पैदाइश कानपुर की है और रिहाइश कई सारी जगहों में सागर इंडियन नेवी में थे स्वच्छ, और दिल्ली में मैं रही और एज अ टेलीविजन एंकर मैं दिल्ली में काम करती थी और टेलीविजन के शोज एंकर किया करती थी, जी टीवी के कुछ लाइव प्रोग्राम्स कुछ रिकॉर्डेड और डी टी के शो FM पर रेडियो जॉकी के तौर पर भी जाते हैं। तकरीबन 4-1 साल पहले मुझे मुंबई आने का मौका मिला, एक अच्छा सा टेलीविजन का शो स्टार्ट करते हैं, शो का रुक जाना नहीं, शो के साथ मैं मुंबई आई और शो के बाद फिर मुंबई से जाना नहीं। आपने अभी फिल्म जो एक प्रेजेंट फिल्म आई की इनकार में भी आप दिखाई देते हैं, तो थोड़ा अपना फिल्मी बैकग्राउंड में बताइए क्या क्या है? फिल्मी बैकग्राउंड में मैंने मेरी पहली हिंदी फिल्म थी स्पेशल 26 जो कि मैंने की थी,
मालती का किरदार उसमें किया था मैंने, नीरज पांडे के उसी के साथ मेरा फिल्मों का सफर शुरू हुआ। हालांकि फिल्मों में काम बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं मिलता है, फिर भी उसके बाद लव एक्सचेंज और वेडिंग पुलाव दो ऐसी फिल्में हैं जो अक्टूबर के महीने में आई पिछले साल, और अभी की अनकांत जो कि दर्शकगण देखी है उसमें पालकी जी के साथ काम करके बहुत आनंद का अनुभव हुआ। नीरज पांडे, पालकी, मुर्गन दास एक कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ अभी तक मैंने काम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला है और अभी भी सीख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि द मोर यू लर्न द मोर यू गो ग्रो, और जितना आप सीखते हो उतना ज़्यादा आपको लगता है कुछ नहीं आता। तो दोनों मीडियम में आपने काम किया है, किस में ज़्यादा मज़ा है? टेलीविजन ऑफकोर्स बहुत डिफरेंट है, बिकॉज टेलीविजन आपको बहुत ज़्यादा मासेस से जोड़ देता है, क्योंकि आप एवरीडे आप लोग आपको देखते हैं, और टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको बहुत जल्दी बहुत सारा प्यार देता है। फिल्म में मुश्किल होती है, बट फिल्म टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्निकलिटी के हिसाब से आपके लुक, आपके मेकअप, आपका एक एक मूव, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिल्म के नज़रिए से, बिकॉज फिल्म का इतना बड़ा कैनवस होता है कि उसमें आपका कुछ भी छोटी मोटी गलतियाँ भी चलती है। खट्टे मीठे अनुभव कोई ऐसे रहे कि क्या वास्तव में स्ट्रगल करना पड़ता है इस लाइन के लिए? स्ट्रगल किस लिहाज से आप जानना चाह रहे हैं, कैसा स्ट्रगल? काम, यदि काम मिल जाता है क्या आसानी से, यदि एक आदमी में टैलेंट है, एक एक्टर में टैलेंट है और उसने कुछ किया है, उसके बावजूद भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कि काम? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से, बेड ऑफ रोजेस मुंबई का काम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से काम नहीं मिलता है। हर एक काम के पास दूसरा काम मिलने में भी कई बार एक्टर्स को वक्त लगता है, और लगता है मतलब काम मिलने में और एक अच्छा काम मिलने में, वो जो टाइम टेन्योर होता है, वो एक जो वेटिंग पीरियड होता है, वो एक एक्टर को उसको सफ़र तय करना पड़ता है। कुछ एक अगर छोड़ दें एक्सेप्शन, सबको ही मतलब रातों रात कोई सुपरस्टार नहीं बना, और मेरे ख्याल से वो अगर दौड़ और वो स्ट्रगल अगर नहीं हो तो फिर इंडस्ट्री में काम करने का मजा भी नहीं है, बिकॉज आप खुद सेलेक्ट करते हैं ऐसे काम को। कोई ऐसी इच्छा, कोई ड्रीम रोल जो आप करना चाहें, कोई ऐसे मन में है इच्छा कि मैं ये रोल मिल जाए तो मैं करूँ, मेरी एक दिली तमन्ना है? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप को कुछ कुछ कहता है, और एक एक्टर के लिए यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो भी कैरेक्टर उसे मिला है उस कैरेक्टर के अंदर जाके उस कैरेक्टर के अंदर जो निटिग्रिटीज है उसको पहचाने, और वो कैरेक्टर को मतलब अपनी तरफ से 100% देके कि उसको अगर परिपक्व तरह से निभाए तो चाहे कोई भी कैरेक्टर हो वो कैरेक्टर लोगों के दिलों में ज़रूर बसता है। यू हैव टू डू इट फ्रॉम द हार्ट। दीदी, जयपुर आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है जयपुर में आपकी सीरियल की शूटिंग में एक्टिंग करने? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम जयपुर आई हूँ, एंड जयपुर आके सीरियसली यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, शूट करके तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आई थिंक यू नो आउट ऑफ सिटी जाके शूट करना एंड वहाँ के लोगों से इतना प्यार, सपोर्ट और इतना एनकरेजमेंट मिलना, आई थिंक इट्स वेरी नाइस एंड वेरी इंकरेजिंग। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है शूट करके एंड आई एम रियली लविंग इट। स्टार प्लस का जो सीरियल मिला है इसमें आप क्या कैरेक्टर निभाए? मेरा कैरेक्टर जो है वो सबसे यंगेस्ट लड़की है, छोटी लड़की है, जिसका नाम है गुड्डी, और वो अपनी बहन से छोटी है, स्पॉइल्ड ब्रैट है, बहुत ही बदमाश है, आज की कुड़ियों की तरह, लड़कियों की तरह जीना चाहती है, जो बहुत ही यू नो हाई फाई रहना चाहती है, बट फैमिली इश्यूज के कारण या फैमिली थोड़े बैकग्राउंड के कारण वो यू नो डिसेंट है, थोड़ी शर्मी, थोड़ी अंडर यू नो लिमिट में रहती है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट एट द सेम टाइम वो अपनी बहन से यू नो नाराज़ भी रहती है कि घर वाले उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा सुशील है, और मैं हूँ कि वो यू नो पढ़ाई करती हूँ लेकिन ज़्यादा मस्ती भी करती हूँ। तो ये क्या कैरेक्टर है? थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में पढ़ाई लिखाई की है, मैं पिछले 3 साल से इंडस्ट्री में मूवीज़ में काम की है,
जो तीन मूवीज में काम किया, पटा पोस्टर निकला हीरो, मेरे डैड की मार थी, यशराज के भी एड, कुछ कुछ एपिसोड भी किए। इस टीवी इंडस्ट्री में ये मेरा पहला सफर है, मैं जस्ट शुरुआत कर रही हूँ और ये मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरा पहला सीरियल है, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड बहुत मजा आ रहा है। तो बड़े पर्दे से अचानक डायवर्ट कैसे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं सीरियल में एज अ लीड करूँ, सीरियल में काम करूँ, मैं सीरियल्स को फॉलो करती हूँ, बट कोई कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको बड़ी आ जाए तो उसको कभी ना नहीं कह सकते, आई तो अच्छी बातें करो, तो ये मेरा एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्क। विक्रम, जयपुर आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप स्टार प्लस की शूटिंग के दौरान जयपुर में आप शूटिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में, इसमें क्या कैरेक्टर निभा रहे हैं? उस शो में मैं अथर्व का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रूड नहीं कहूँगा बट बहुत ही कम बोलने वाला बंदा है, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके पास, फैमिली में सिर्फ उसकी माँ है उसके साथ और कोई नहीं है, और एक लड़की है विविधा जिससे आगे जाके उसको प्यार हो जाता है, तो कैसे उनकी लव स्टोरी आगे डेवलप होगी कहानी उस चीज़ के बारे में, बहुत ही यूनिक स्टोरी है क्योंकि दो कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। सो ये है ब्रेक ने जो मिला है आपको इस सीरियल में उसके बारे में बताएं, इस सीरियल में जो ब्रेक मिला है उसके बारे में बताएं, कैसे क्या इस प्रोडक्शन हाउस का ऑलरेडी एक शो कर रहा था मैं, उन्होंने मुझे इस शो के लिए अप्रोच किया, मुझे स्टोरी अच्छी लगी, कैरेक्टर अच्छा लगा, मैंने ना फिल्म भी की है अभी तक नहीं, कोई बड़े बड़े पर्दे पर ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट है अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया नहीं है, कोई प्रोजेक्ट आएगा तो डेफिनेटली करेंगे। इस सीरियल के अलावा स्टार प्लस के अलावा कुछ कर रहे हैं छोटे पर्दे? कुछ और कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 25 to 28 डेज ब्लॉक डे उस शो में, तो बाकी जो 10 दिन बचते हैं उसमें आई वुड वॉन्ट टू रेस्ट। जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्टार प्लस के सीरियल में आप लीडिंग रोल करने जा रही है, बताएं क्या है आपके कैरेक्टर? आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे? पर बड़े पर्दे के प्रोजेक्ट थे मेरी दो फिल्म रिलीज होने वाली थी, कौन अभी तक नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो दैट इज द एक है, एक का नाम है सदाबा सुबर। कैसा लगा राजस्थान में आपका ये शेड्यूल रहा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत फन लगी यहाँ पर, नहीं बहुत गर्व है ये, और